तो स्वागत है आप सभी का संस्कार एकेडमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज पर। आज 30 जून 2020 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। ठीक है, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, हाल ही में 11 ट्रिलियन रुपए मार्केट के फिट करने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी बनी है। देखिए, ट्रिलियन ट्रिलियन का मतलब क्या होता है, एक ट्रिलियन में कितने होते हैं, तो 10 खरब रुपए होते हैं। एक ट्रिलियन में 10 खरब होते हैं। अब आप अनुमान लगा लेना कि ये टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो 11 ट्रिलियन रुपए मार्केट के फिट करने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी जो बनी है वो बनी है रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज 11 ट्रिलियन मार्केट के हिट करने वाली भारतीय कंपनी बनी है। ये पहली भारतीय कंपनी है जिसने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। ठीक है, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई, तो 1966 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की, तो धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी ने इसकी स्थापना की थी 1966 में। इसका जो हेड ऑफिस है वो कहां पे है, तो मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन अपन कह सकते हैं वो कौन है, तो मुकेश अंबानी। अब मुकेश अंबानी की बात है तो मुकेश अंबानी से रिलेटेड एक पहले भी क्वेश्चन बता चुका हूं मैं आपको कि वर्ल्ड फोर्ब्स की सूची के अनुसार वर्ल्ड के जो टॉप रिचेस्ट पीपल हैं, टॉप टेन जो सर्वाधिक अमीर व्यक्ति हैं उनमें मुकेश अंबानी भी शामिल है। और इनका कौन सा स्थान है, तो 9वां स्थान इन्होंने हासिल किया है। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज वो कंपनी है जिसने 11 ट्रिलियन मार्केट कैप का अचीवमेंट हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व कराटे महासंघ ने किस देश के कराटे संघ की मान्यता अस्थायी तौर पर रद्द की है। देखिए, विश्व कराटे महासंघ ने अभी भारत का जो कराटे संघ है उसकी मान्यता अस्थायी तौर पर रद्द कर दी है। और वो क्यों की है, क्योंकि 2019 में पिछले साल जो चुनाव हुए थे भारतीय कराटे संघ के, उसमें हुई धांधली की वजह से विश्व कराटे महासंघ ने भारतीय कराटे संघ की यह मान्यता रद्द की है। ठीक है, तो अब बात करें विश्व कराटे महासंघ की, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन, इसकी स्थापना कब हुई, तो 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहां है, तो मैड्रिड शहर है स्पेन में। मैड्रिड स्पेन में इसका मुख्यालय है और 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, देखिए, जो भी इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वर्ल्ड लेवल पर काम करते हैं, चाहे यूएनओ हो, यूटी हो, यूटीओ हो, ठीक है, उन सभी के आपको हेड ऑफिस और उनकी स्थापना का वर्ष आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस काफी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। तो विश्व कराटे महासंघ जो है उसका मुख्यालय कहाँ है, मैड्रिड स्पेन में, और 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, हाल ही में पंजाब का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, वो किया गया है विनी महाजन। ये 1987 आईएएस बैच के अधिकारी हैं। ठीक है, विनी महाजन जिन्हें हाल ही में पंजाब का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अब पंजाब की बात है तो पंजाब की कैपिटल क्या है, तो चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ पंजाब की कैपिटल है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो वीपी सिंह बदनौर। ठीक है, वीपी सिंह बदनौर यहाँ के राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में गोवा का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है। देखिए,
गोवा का डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है मुकेश कुमार। मुकेश कुमार मीणा को गोवा का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। गोवा की बात है तो गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। ठीक है, पणजी गोवा की कैपिटल है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत गोवा के सीएम हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? देखिए सत्यपाल मलिक क्या है? गोवा के राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने औद्योगिक सुरक्षा के लिए नया बल तैनात करने की घोषणा की? देखिए औद्योगिक सुरक्षा के लिए जो भारत का बल है उसका नाम क्या है? CISF। ठीक है, तो भारत का जो औद्योगिक सुरक्षा दल है उसका नाम CISF है। लेकिन इसी तर्ज पर अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने औद्योगिक सुरक्षा के लिए राज्य स्तर पर अपना एक नया बल तैनात करने की घोषणा की है। इसकी अलग से ट्रेनिंग होगी और अलग से इनमें जो कर्मचारी है वो अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो नया दल है ये इसकी घोषणा की है उत्तर प्रदेश ने औद्योगिक सुरक्षा को लेकर एक नया बल तैनात करने की घोषणा की है। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ की जो राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IMF ने किस देश को $356.5 मिलियन सहायता प्रदान करने की घोषणा की? देखिए IMF की बात है, IMF क्या है? International Monetary Fund। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1945 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन में। ठीक है, अब किस देश को $356.5 मिलियन सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो उस देश का नाम है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार को ये घोषणा करने की बात की है और म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो बर्मा। ठीक है, अब म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की कैपिटल क्या है? तो नाइपीटो यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो विन माइंट म्यांमार के प्रेसिडेंट है। ठीक है, नाइपीटो यहाँ की कैपिटल हो गई और $356.5 मिलियन की जो सहायता देगा वो कौन देगा? वो IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कैंपगोड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला कहाँ रखी गई? देखिए कैंपगोड़ा कौन थे? तो बेंगलोर के संस्थापक थे कैंपगोड़ा। ठीक है, बेंगलोर के संस्थापक थे कैंपगोड़ा, इनकी मूर्ति की अभी आधारशिला रखी गई है बेंगलोर में ही। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलोर, या राज्य की बात करें तो कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में इसकी कैंपगोड़ा की मूर्ति की आधारशिला रखी गई है। अब कर्नाटक कैपिटल क्या है? तो बेंगलोर, और बेंगलोर यहाँ की कैपिटल हो गई। तो कर्नाटक के CM कौन है? तो BS येदुरप्पा कर्नाटक के CM है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो वजूभाई वाला। ठीक है, वजूभाई वाला कर्नाटक के राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान किसने शुरू किया? देखिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान है वो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है, लेकिन ये शुरू किसने किया है? तो अभी जो PM नरेंद्र मोदी,
नरेंद्र मोदी ने ये शुरू किया है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। अब मोदी चर्चा में है आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर को लेकर, क्योंकि ये सभी वस्तुओं को खरीदने के लिए चाहे रोजगार को, सभी में आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहे हैं। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में BSL 2 प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? देखिए BSL क्या है, तो बायोसेफ्टी लेवल टू प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में किया गया है। अभी प्रयोगशाला बहुत इंपॉर्टेंट है COVID-19 को लेकर जो परीक्षण चल रहे हैं उसके लिहाज से। ठीक है, तो नागालैंड में BSL 2 प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। अब नागालैंड की बात है तो नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा नागालैंड की कैपिटल है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो नेपियू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं आर एन रवि नागालैंड के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने राजेंद्र सिंह को पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया है? देखिए राजेंद्र सिंह कौन है, तो ये पंजाब के एक सिख हैं जिन्होंने ब्रिटेन में स्कीपिंग के थ्रू, ठीक है, स्कीपिंग के थ्रू कुछ गवर्नमेंट के लिए फंड इकट्ठा किया था, तो इन्हें ये एक सम्मान दिया गया है ब्रिटेन का, पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर। तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, ठीक है, बोरिस जॉनसन ने राजेंद्र सिंह को ये सम्मान दिया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो आज का ये करंट अफेयर्स का सेशन अपना यही समाप्त होता है। मिलेंगे एक नए सेशन के साथ में अगले रोज। ठीक है, तो इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।